आज के इस ट्यूटोरियल में मॉडिफाइंग कमांड्स को मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, जो और एडवांस कमांड्स मौजूद हैं हमारे पास। ऑफसेट, फिलेट, चैम्फर और एरे की कमांड है। लेक्चर से पहले ये बता दूँ कि अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए आप हैंड फ्री यूज़ करें या हेडफोन सेट अगर आपके पास मौजूद है तो वो लगा लें। और जो सबसे पहली कमांड है ऑफसेट, ऑफसेट कमांड के जो शॉर्ट की है वो है ओ, स्टार्टिंग लेटर, और इसका सिंबल इस तरह से आपके सामने नज़र आ रहा है। और ऑफसेट की डिस्क्रिप्शन जो लिखी है, ऑफसेट एन ऑब्जेक्ट पैरेलल बाया सेट डिस्टेंस, जो भी आप डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे तो उसको एट पर्टिकुलर डिस्टेंस ये ऑफसेट कर देगा। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि लेट से आपके पास एक सर्किल है और उसका जो रेडियस है वो आप लेट से 1 रेडियस रख लेते हैं उसका। तो 1 रेडियस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका रेडियस 1 1 मिलीमीटर। सिमिलरली, और आप बाय यूजिंग ऑफसेट कमांड यू हैव टू ऑफसेट दिस सर्कल एंड मेक दी रेडियस 2 मिलीमीटर। तो सिमिलरली आप रेडियस को बढ़ा भी सकते हैं और रेडियस को कम भी कर सकते हैं ऑफसेट कमांड के थ्रू। तो अगर आपने ऑफसेट किया है इसको, तो सेम सर्किल थोड़ा सा गलत जगह पे बन गया है। इसको मैं थोड़ा रफ सा एस्टिमेट करने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि ये फ्री स्टाइल में ड्राइंग कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा ये एरर आएगा। तो ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये 2 मिलीमीटर का रेडियस इसका ऑफसेट कमांड के बाद बन जाएगा। ये यहाँ पे रेडियस है 2 मिलीमीटर। तो बाय यूजिंग ऑफसेट कमांड आप ज्योमेट्री को यूनिफॉर्मली ऑफसेट करके उसका जो ज्योमेट्री साइज है स्केल अप कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपने एक लाइन बनाई है, अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो पर्टिकुलर ऑफसेट डिस्टेंस के साथ आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है आपका, उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इसका इमेज जनरेट हो जाएगा, राइट पर भी लेफ्ट पर भी। अपवर्ड डायरेक्शन में ये इसका इमेज जनरेट नहीं कर सकता, 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर ये कमांड काम करेगी वर्टिकल लाइंस के लिए। इसी तरह अगर आपने कोई स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर को आप जब ऑफसेट करेंगे, तो ऑफसेट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इनर साइड पर अगर आप ऑफसेट करते हैं, तो जो भी आपने डिस्टेंस बताया होगा उसके हिसाब से अंदर की तरफ एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने आउटर साइड पे ऑफसेट किया होगा तो बड़ी ज्योमेट्री के साथ एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐसी ज्योमेट्री बनाई है जो कि इररेगुलर है, मतलब लीनियर भी नहीं है, कोई डिफरेंट सा आप एक शेप आपने बनाया है और उसको आप ऑफसेट करना चाहते हैं, तो जब आप उसको ऑफसेट करेंगे तो सेम जो आपने ज्योमेट्री का शेप ड्रॉ किया होगा, बिल्कुल उसी सेम ज्योमेट्री का ऑफसेट या तो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, हर तरफ से पैरेलल ज्योमेट्री बिल्कुल सेम होगी। यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसको यूज़ करेंगे ऑटोकैड में। तो इस तरह से ये आउटर साइड पर भी ज्योमेट्री ऑफसेट हो जाएगी और सिमिलरली इनर साइड पर भी ये ज्योमेट्री ऑफसेट हो जाएगी। तो अब हम ऑटोकैड में इसको ड्रॉ करते हैं, ऑटोकैड हम ओपन कर लेते हैं। ऑटोकैड में कुछ सेटिंग्स दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट्स आपने जो सेट करनी है आज की ड्राइंग में, वो 0.0 स्टार्टिंग पहला पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट आपने बताना है 10.10। इसी तरह से यूनिट्स आपने बताने हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने प्रिसिशन को रखना है, टाइप डेसिमल रहेगी, और जो यूनिट स्केल टाइप है वो मिलीमीटर्स आपने यूज़ करना है, इंटरनेशनल यूनिट्स आपने यूज़ करने हैं नीचे, और ओके कर दें। अब आप जूम ऑल करें, जूम यानी जेड इंटर और ए इंटर, तो
तो जूम ऑल आपने कर दिया है। अब आपको ऑफसेट करने के लिए यहाँ पे लेट से एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल का टूल बार आपको ये लेफ्ट साइड पे ड्रॉ का टूल बार नज़र आ रहा है, जो आपने यहाँ पे सर्कल कमांड से सिलेक्ट करना है। और ये सारी ड्राइंग यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आपने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को एक्टिव किया है और उसकी सेटिंग्स आपने कर ली हैं, यानी जो पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं उन पर आपने चेक मार्क करना है। और ओके करने के बाद फिर आप काम स्टार्ट करेंगे, इसके बगैर इसमें काम स्टार्ट नहीं करेंगे आप। अब यहाँ पे मैं रैंडम एक सेंटर पॉइंट, वो मुझसे पूछ रहा है सर्किल का स्टार्टिंग सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट मैंने माउस से क्लिक करके यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया है। और रेडियस वो मुझसे पूछ रहा है, तो रेडियस मैं बता देता हूँ यहाँ पर 4 मिलीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस हम बताते हैं 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। सेकेंडली हम इसको ऑफसेट की कमांड से ऑफसेट करना चाहते हैं 1 मिलीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में और 1 मिलीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब 1 मिलीमीटर जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको ऑफसेट करेंगे, तो आपने ये जहन में रखना है कि डाउनवर्ड करते वक्त डिस्टेंस आप इतना ज़्यादा ना बताएं कि वो इलॉजिकल कहकर उसको लॉजिकल एरर आपको कहता रहे कि आपने इलॉजिकल कमांड बताई है, इलॉजिकल डिस्टेंस बताया है। जैसे मैं ये ऑफसेट करता हूँ और मैं इसको बताता हूँ 1 स्पेसिफाइड डिस्टेंस, तो 1 लिखकर मैं एंटर करूँगा जो कि 1 मिलीमीटर है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ऑफसेट करना है उसको आप सिलेक्ट करें और उसको डायरेक्शन बताएं कि अपवर्ड डायरेक्शन में ऑफसेट करना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। अब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर क्लिक करता हूँ तो उसने देखें ऑफसेट नहीं किया, क्योंकि जो सर्किल का रेडियस वो 1 है। अब 1 को अगर आप अंदर की तरफ ऑफसेट करेंगे तो वो 1 से 0 नहीं होगा, वो लॉजिकल एरर है इसमें। तो अब आप इसको क्लिक करके बाहर की तरफ जब आप इसको डायरेक्शन बताएंगे तो देखें बाहर ही ऑफसेट हो गया। अब अंदर की तरफ आपने इसको दोबारा से ऑफसेट करना चाहते हैं तो आप स्किप का बटन दबा के दोबारा से वो लिख के ऑफसेट की कमांड को आप रन करें और ऑफसेट जो डिस्टेंस है वो आप थोड़ा कम बताएं अंदर की तरफ, जैसे 0.5 मिलीमीटर। तो अब मैं अगेन इसको सर्किल को पिक करता हूँ और अंदर की तरफ वो मुझसे ऑफसेट साइड पूछ रहा है। तो मैं अंदर की तरफ जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें सर्किल अंदर की तरफ उसने ऑफसेट कर दिया। तो ये तो सर्कल था रेगुलर। अब इसी तरह हम लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल लाइन, और उसकी लेंथ हम 2 मिलीमीटर बता देते हैं वर्टिकल। अब इसको हमने ऑफसेट करना है 1 1 मिलीमीटर के फासले पर। तो मैं ऑफसेट की कमांड रन करूँगा और मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखूँगा 1 मिलीमीटर और लाइन को मैं सिलेक्ट करके इसको एक तो राइट साइड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये कॉपी होकर उसका इमेज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ गया। इसी तरह से मैं इस लाइन को भी सिलेक्ट करके आगे ऑफसेट कर सकता हूँ एंड सो ऑन। इसी तरह आप लेफ्ट साइड पर आप करना चाहते हैं ऑफसेट, तो आप लेफ्ट साइड पर भी ऑफसेट कर सकते हैं, जैसा आपने ये किया और लेफ्ट साइड पर ये आपने लाइंस ऑफसेट कर दी। वर्टिकल डायरेक्शन में ये कभी भी ऑफसेट नहीं करेगा, इसलिए कि एक लाइन का जो प्रोजेक्शन अगर अपर डायरेक्शन में आप देखें तो वो एक सिंगल पॉइंट बनेगा। अगर आप यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ करें सिंगल पॉइंट, तो वो उसको ऑफसेट नहीं करेगा, इसलिए कि जो ज्योमेट्री है वो सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी आप लाइन्स को ऑफसेट करेंगे तो 190 डिग्री फेस शिफ्ट पर यह कमांड काम करेगी। जैसे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर लाइन की कमांड से और इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करके एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ऑफसेट इस लाइन को करना चाह रहा हूँ यहाँ तक, इसका मुझे डिस्टेंस अगर नहीं पता तो मैं ऑफसेट की कमांड से एक और मेरे पास टेक्निक है वो लिख के मैं एंटर करूँगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, स्पेसिफाइड डिस्टेंस ऑफ योर ऑफसेट, और आप जो है आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है कि आप माउस के कर्सर से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लें, एक तो ये वाला पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है और सेकंड पॉइंट ये वाला सेलेक्ट कर लें, तो इसकी मदद से ऑटो कैड को डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस क्या है। तो अब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जैसे ही आप वो डायरेक्शन में क्लिक करेंगे देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर ही ऑफसेट हो गया है, ये जो लाइन थी आपकी ऑफसेट हो गई अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो इस तरह से आप ऑफसेट की कमांड को यूज़ करके डिस्टेंस आप माउस के कर्सर से भी बता सकते हैं, आप टाइप कर कर भी उसका ऑफसेट बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने ऑफसेट करना है इन लाइंस को, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 0.5 मिलीमीटर लिखकर मैं क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ ये ऑब्जेक्ट। अब देखें ये चारों साइड पर जो आपको बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं ये जॉइंट नहीं है।
अगर ये जॉइंड होती तो ये एक ही दफ़ा सेलेक्ट करने में ये पूरा सेलेक्ट हो जाता। तो अब आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी आप पूरी क्लोज लूप बाउंड्री को जब भी आप ऑफसेट करना चाहते हैं, तो वो या तो रेक्टेंगल की कमांड से बनी हो या फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन की कमांड तो हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपको रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अब मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ। ऑफसेट में वही 0.5 मिलीमीटर अंदर की तरफ ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो डिस्टेंस मैंने वही रखा है। और मैं इंटर करके मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और अंदर की तरफ देखें, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऑफसेट कर दिया रेक्टेंगल को अंदर की तरफ। और इसी तरह से बाहर की तरफ आपने जब ऑफसेट किया तो इसका स्केल अप हो गया, तो ज्योमेट्री साइज़ है वो पैरेलल शेप में ज्योमेट्री साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। इस तरह से आपने ऑफसेट किया रेक्टेंगल को, लाइन को और सर्किल को। लास्ट में जो ऑफसेट की कमांड है, अगर किसी एंगल पोजीशन पर एक ज्योमेट्री बनती है, जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये लाइन है और मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको ड्रॉ किया, अब मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो ऑफसेट ये लाइन बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में ऑफसेट होगी। जैसे मैं इसका डेमो देता हूँ कि ऑफसेट और डिस्टेंस मैंने 0.5 मिलीमीटर ही रखा है और मैंने इंटर किया यहाँ पर। और इस ऑब्जेक्ट को जब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में क्लिक करूँगा तो देखिए लाइन बिल्कुल पैरेलल पोजीशन पर ऑफसेट हो गई। इसी तरह से नीचे की तरफ भी वो पैरेलल पोजीशन पर ऑफसेट हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो मैं एक फ्री स्टाइल में का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा लाइन की कमांड से, एक मैंने ये ऑब्जेक्ट बता दिया, ये लाइन की पोजीशन, ये इस तरह से मैंने एक रैंडम पोजीशन पर ये बना दिया है। अब मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ, तो ऑफसेट के लिए वो मुझसे डिस्टेंस पूछ रहा है, मैंने डिस्टेंस तो 0.5 ही रखा है। सेकंड में इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन की कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि पी एडिट, बाय यूजिंग पी एडिट कमांड आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पी एडिट की शॉर्ट की है पीई, तो पीई लिख के जब आप इंटर करेंगे तो वो आपसे पूछेगा सेलेक्ट दी पॉली लाइन, तो आप कोई सी भी एक लाइन को सेलेक्ट कर लें, क्लिक कर दें और वो आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू टर्न इट इंटू वन, यस हमें तो इसको ज्वाइन करना है, तो हम यस करेंगे, इंडोर्स करेंगे, यस वी वॉन्ट इट, इंटर। और अब आपसे ये पूछेगा, देखें ऑप्शन दे रहा है आपको, सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा आ रहा है क्लोज, क्लोज का मतलब है कि अभी ये ऑब्जेक्ट जो है ज्वाइन नहीं हुआ है। और जब यहाँ पे ओपन लिखा आएगा इसका मतलब है कि ये ज्वाइन हो चुका है। तो अब आप इसको ज्वाइन करने के लिए इसमें सेकंड ऑप्शन को देखें, सेकंड ऑप्शन है जे, जे लिख के आप इंटर करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें एक साथ और इंटर करें। और नीचे की तरफ आप देखें कि यहाँ पे ओपन लिखा आ गया है, जब ओपन लिखा आ गया इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो गया है। तो अब आप इंटर करके आप ये वेरीफाई कर लें, आप किसी भी एक पॉइंट से आप इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है ये ज्वाइंट आपको नज़र आ रहा है। अब आप ऑफसेट की कमांड दोबारा रन करें और 0.5 डिस्टेंस आप बाय डिफॉल्ट रहने दें और इंटर कर दें। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ ऑफसेट करें, देखें ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ ऑफसेट हो गया। अब अंदर की तरफ आप करें तो अंदर की तरफ पूरी ज्योमेट्री आप देख रहे हैं कि वो पैरेलल पोजीशन में, पैरेलल डायरेक्शन में ऑफसेट हो गई है। तो ये ऑफसेट का कंप्लीट एक ट्यूटोरियल था और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से इस पर कमांड हासिल हो जाएगी। सेकेंड, ये बहुत यूज़फुल कमांड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ड्राफ्टिंग के अंदर, तो आपने इसको यूज़ करना है। अब जो सेकेंड कमांड है हमारी मॉडिफाइंग कमांड आज के लेक्चर की, उसमें जो फर्स्ट थी वो ऑफसेट की कमांड थी, अब सेकेंड जो कमांड है वो है फिलेट। फिलेट कमांड इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू जॉइन टू लाइंस बाय अ राउंडेड कॉर्नर, एन इनसाइड कॉर्नर इज कॉल्ड अ फिलेट एंड एन आउटसाइड कॉर्नर इज कॉल्ड अ राउंड। यू कैन क्रिएट बोथ बोथ यूजिंग दी फिलेट कमांड। आप फिलेट कमांड से जब भी आप कोई रेगुलर शेप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दूसरी सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी शीट मेटल पार्ट्स हैं या प्लास्टिक पार्ट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगर उनका कोई शार्प कॉर्नर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है तो इट इज़ डेंजरस। उस पे शार्प एज जो कि मतलब डैमेज कर सकता है आपके हाथ को, तो उसको ख़त्म करने के लिए
और एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए उसकी कॉर्नर पॉइंट्स पर इस तरह से रेडियस जनरेट किए जाते हैं, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री का साइज के हिसाब से ये कॉर्नर रेडियस जनरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ, ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो गया है। जैसे ये सर्किल की कमांड है और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ ये बाकी जो एरिया है, तो इस तरह से ये राउंड सरफेस बन जाएगा जो कि ये आउटर पार्ट है। अगर इनसाइड अगर हम इसको कोई कॉर्नर पॉइंट अगर जनरेट करेंगे और उसके अंदर रेडियस होगा तो वो फिलेट होगा, आउटर साइड तो वो राउंड कॉर्नर कहलाएगा। तो अब हम इसको फिलेट की कमांड को ऑटोकैड के अंदर इसको यूज़ करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे फिलेट को यूज़ करने के लिए, कि एक तो फिलेट विद रेडियस ज़ीरो, अगर आप ज़ीरो रेडियस के साथ आप फिलेट करेंगे तो क्या होगा, और सेकंड आप उसको रेडियस बताएंगे तो क्या होगा। तो ये इस तरह से हमने ये लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ऑटोकैड के अंदर भी हम जितना बना चुके हैं सबको इरेज करना है, इरेज ऑल, ई इंटर और ऑल लिख के आप इंटर करें तो तमाम इरेज ऑल हो जाएगा। जूम ऑल करें, सेकंड आपने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और F8 का बटन आपने प्रेस करना है ताकि ऑर्थो का ऑप्शन ऑन हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे अब आपने फिलेट की कमांड से आपने इसको फिलेट करना है, इसमें राउंड कॉर्नर देना है। तो इसके लिए जो हमने लाइन बनाई है, ये दो लाइंस बनाई हैं और इनके कॉपी करके हम दो तीन इनके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं ताकि हम जो काम करना चाहते हैं वो उस पर हम परफॉर्म कर लें। कॉपी के लिए आप कॉपी की कमांड सेलेक्ट करें, इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इसका एक कॉर्नर पॉइंट आपने सेलेक्ट करके एक यहाँ पेस्ट कर दिया, एक सिमिलरली थोड़े से और फासले पर आप इसको पेस्ट कर दें। अब फिलेट की कमांड के लिए आपने एफ़ लिख के इंटर करना है। एफ़ लिख के जब आपने इंटर किया तो नीचे देखें यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, देखें मोड नो ट्रिम है। नो ट्रिम का मतलब क्या होता है? सबसे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है हम नो ट्रिम मोड के अंदर इसको हम फिलेट करेंगे। रेडियस ज़ीरो पर होगा ये कि जो दो लाइंस हम आपस में ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, रेडियस तो हमने ज़ीरो रखा है तो नो ऑपरेशन परफॉर्म, कुछ भी नहीं होगा। और हम आपको ये करके दिखा देते हैं कि जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रेडियस ज़ीरो था, नो ट्रिम था, तो कुछ भी नहीं हुआ। अगेन एफ लिख के इंटर करें आप, रेडियस अब आप बताएं, रेडियस रेडियस के लिए हम आपको आर लिख के इंटर करेंगे और यहाँ पे मैं रेडियस बताऊँगा 0.5 मिलीमीटर। जब मैंने 0.5 मिलीमीटर रेडियस बता दिया है और नो ट्रिम मोड है, नो ट्रिम का मतलब है ट्रिमिंग नहीं होगी, और जो रेडियस है वो दोनों लाइंस का इस तरह से बन जाएगा। देखें कि उसने एक राउंड कॉर्नर जनरेट कर दिया, रेडियस 1 है ये, और दोनों लाइंस को इसने ट्रिम नहीं किया है, वो वैसी का वैसी है क्योंकि मोड था नो ट्रिम। तो ट्रिम का मतलब यही होता है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनको वो ट्रिम कर दे। और अब सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम फिलेट की कमांड से ही ट्रिम के साथ हम इसको फिलेट करते हैं। कि लेट्स से मैंने एफ़ की कमांड लिखी, एफ इंटर, और रेडियस मैंने तो 0.5 रहने दिया है। ट्रिम के लिए टी लिख के मैं इंटर करूँगा और ट्रिम मोड मेरे पास ट्रिम करने के लिए मैं एक और दफ़ा टी लिख के इंटर करूँगा। तो अब मेरा जो मोड है वो ट्रिम में कन्वर्ट हो गया। इसको चेक करने के लिए आप कमांड को कैंसिल करें और एफ़ लिख के इंटर करें। तो अब आप देखें कि मोड आपके पास ट्रिम नज़र आ रहा है और रेडियस 0.5 मिलीमीटर है। तो अब आप दोनों लाइंस को बारी बारी क्लिक करें, सेलेक्ट करें, और देन यू हैव सीन अ क्लियर पिक्चर के देखें दोनों लाइंस ट्रिम हो गई हैं और राउंड कॉर्नर जो हम बनाना चाहते थे वो भी बन गया। अब फिलेट की कमांड आगे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम फिलेट की कमांड को इस रेक्टेंगल पर अप्लाई करके देखते हैं, रेक्टेंगल ऑलरेडी एक जॉइंट होता है। ये मैंने रेक्टेंगल की कमांड से एक रेक्टेंगल जनरेट किया है विद रेंट। रेक्टेंगल की कमांड से जो रेक्टेंगल हमने जनरेट किया इसका एक कॉपी वर्जन हम कॉपी की कमांड से ड्रॉ करेंगे, ताकि हम इस पे डिफरेंट फिलेट की जो टेक्निक्स हैं वो हम अप्लाई कर सकें। हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा रेक्टेंगल है। हमने उसको सिलेक्ट करने के बाद बेस पॉइंट बताया और इसको एक सूटेबल डिस्टेंस पर हमने इसका जो इमेज है वो हमने पेस्ट कर दिया। अब हम फिलेट की कमांड को रन करेंगे। फिलेट के लिए एफ़ लिख के इंटर करें।
सेकंड जो मोड है हमारा ट्रिम मोड ऑन होना चाहिए, नो ट्रिम में फिर वो कॉर्नर पॉइंट्स रह जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि जो रेडियस है वो 0.5 मिलीमीटर बाय डिफॉल्ट रहने देना है, और आप दो लाइंस को सिलेक्ट करें, टॉप राइट कॉर्नर जो नीचे वाला रेक्टेंगल है जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले यहाँ क्लिक करना है और फिर यहाँ क्लिक करना है। देखें हमने यहाँ जब हमने दो दफ़ा दो लाइंस को सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद देखें यहाँ पे राउंड कॉर्नर आ गया है जो फिलेट की कमांड से हमने अप्लाई किया है 0.5 रेडियस का। अब इसके बाद आपने ये नोट डाउन करना है कि देखें कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिट हो गई है, एग्जिट हो गई। अब आपको अगेन दोबारा से कमांड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो स्पेस बार, अगर आपने कोई कमांड रन नहीं करी है तो दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए आप स्पेस बार दबा दें, एंटर दबा दें तो फिलेट की कमांड अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने मल्टीपल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मल्टीपल एम फॉर मल्टीपल एम लिख के आप क्लिक करें, इंटर करें, और अब आप बारी बारी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पे आप अप्लाई करते जाएं फिलेट की कमांड, और आप देखें कि आपकी जो फिलेट की कमांड है वो कंटिन्यू रनिंग मोड में होगी और एग्जीक्यूट नहीं एग्जिट नहीं हो सकेगी, और आपको बार बार उसको रीसेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड जो ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है कि एक तो आपने सिंगल आपने अप्लाई किया, फिर मल्टीपल अप्लाई किया, इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पॉली लाइन है, यानी वो जॉइंड है, 2D जॉइंड है पॉली लाइन, अब या तो वो सर्किल होगा या कोई भी डिफरेंट ज्योमेट्री हो सकती है, मगर उसकी जो शर्त है, कंडीशन है कि इट इज जॉइंड, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉली लाइन और सिंपल आर्क्स। तो अब आपने इस ऊपर वाले रेक्टेंगल पर जब आप पॉली लाइन का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक साथ क्या होगा कि मैं पी लिख के एंटर कर रहा हूँ फिलेट की कमांड के अंदर, पी लिख के पी फॉर पॉली लाइन आप एंटर करेंगे, फिर आपसे जो ऑटोकैड का कंसोल जो विंडो है, ऑटोकैड इज आस्किंग टू प्लीज सेलेक्ट दी 2D पॉली लाइन। तो आपने किसी भी साइड पर इस रेक्टेंगल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कंप्लीट इस पे फिलेट कॉर्नर्स पर अप्लाई हो गया है। ये दो डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपको फिलेट की इसलिए बताई हैं ताकि आपका टाइम कंजप्शन है उसको आप मैनेज कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें, इसलिए कि एग्जाम्स में अगर आपने फिलेट के तीनों में से सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है कि आप सिंगल सिंगल आप सेलेक्ट करके कमांड को रन करते हैं, फिर वो कमांड एग्जिट हो जाती है, फिर दोबारा आप इंटर करते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन मल्टीपल का है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू सिंगल सेलेक्शन प्रोसेस है, और जो अभी जो मैंने आपको बताया होगा वो पॉली लाइन है तो वो सबसे फास्टर है, आपको सिर्फ एक जगह क्लिक करना है और वो कंप्लीट फिलेट अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ऑफसेट की कमांड के बाद हमने फिलेट की कमांड को देखा है सेकंड, अब उसके बाद हम चैम्फर की कमांड को देखेंगे जो कि फिलेट की तरह ही है। इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ, और पहले ये बता दूँ कि जो चैम्फर की कमांड है, द चैम्फर कमांड इज लिटिल बिट इज सिमिलर टू फिलेट कमांड, उसमें राउंडिंग होती है, इसमें शार्प एज आ जाता है। द डिफरेंस इज दैट द फिलेट कमांड इज यूज वैन यू वॉन्ट टू ज्वाइन टू लाइन्स बाय अ राउंडेड कॉर्नर, ये फिलेट के केस में ऐसा होता है, एंड इन द केस ऑफ चैम्फर द चैम्फर कमांड इज यूज वैन यू वॉन्ट टू ज्वाइन टू लाइन्स एट एन एंगल एंगल एंगल्ड कॉर्नर, यानी साइड पर अगर कोई शीट मेटल पार्ट है, जैसे आप एग्जाम्पल देखें कि ये एक शीट मेटल पार्ट है और इसकी जो ये जो शार्प एजिस कॉर्नर आ रहे हैं सरफेस पर, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये बर्स है, बर कहलाती है, BUR, जो कि शीट मेटल पार्ट पर मैन्युफैक्चरिंग के बाद आती है, और ये डेंजरस होती है, आपके हाथों को जख्मी कर सकती है, फिर असेंबली लाइन में ये प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए फिलेट या चैम्फर की कमांड CNC मशीन्स को दी जाती है, CNC मशीन्स को बताया जाता है, तो वो जब इनको फिनिश कर रही होती है तो उसके बिल्कुल साइड कॉर्नर्स पर इस तरह से फिलेट राउंडिंग या फिर बिल्कुल शार्प, जैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं साइड्स पर बिल्कुल एक एंगल पर पूरा एक लाइन सेगमेंट इस पर आ जाता है, जिससे इसकी बर को क्लीन कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से शीट मेटल पार्ट्स को साफ किया जाता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अब चैम्फर की कमांड अप्लाई करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं,
सबसे पहले जैसे अभी हमने जो भी कुछ बनाया है इसको हम इरेज कर देते हैं, सिर्फ ये वाली ड्राइंग को छोड़ देते हैं, इसको कॉपी करके और इन लाइंस को दोबारा से एक यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब चैम्फर की कमांड स्टार्ट करने के लिए आपको CHA लिखना पड़ेगा, और या फिर आप जो टूल बार है राइट साइड पर, यहाँ से आप चैम्फर की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो CHA इसकी शॉर्ट की है, तो चैम्फर आप जैसे लिख के एंटर करेंगे तो अब आपके पास जो मोड है वो नो ट्रिम मोड है। ट्रिम मोड और नो ट्रिम मोड में क्या डिफरेंस है वो आप पहले हम लोग देख चुके हैं फिलेट के अंदर, अब इसमें भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको एंगल के साथ चैम्फरिंग करने का तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद हम डिस्टेंस को करेंगे। तो एंगल के लिए हम ए लिख के इंटर करेंगे सबसे पहला ऑप्शन। अब ये ए लिख के जैसे इंटर करेंगे हमसे डिस्टेंस पूछेगा, लाइन जो भी सेगमेंट आप टेपर लाइन बनाएंगे उसकी लेंथ कितनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर ये एंगल पूछेगा एंगल कितना देना है आपने। अब एंगल अगर हम 0 बता देंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं 45 डिग्री से, लेट से चले 30 डिग्री से करते हैं। तो 30 डिग्री पे जैसे हमने एंटर किया, अभी हमसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जो पहली लाइन हम सेलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट लाइन बन जाएगी, जो सेकेंड लाइन हम सेलेक्ट करेंगे वो सेकेंड है। अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है कि 30 डिग्री का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट और ये है वो पॉइंट जो कि 30 डिग्री पर उसने ड्रॉ करी है लाइन। और एक तरफ उसका डिस्टेंस आप मेजर करके देख लें, जैसे मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन पे जाता हूँ और अलोंग दी वाई एक्सिस को मेजर कर लेते हैं, ये 0.5 आ रहा है और ये आ रहा है 1। देखें जो एक्स अलोंग दी एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस था वो 1 है, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस उसने फिक्स रखा है, और ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये 30 डिग्री पर उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। यानी पहले उसने डिस्प्लेसमेंट रखी इस पॉइंट पर कितनी, 1 मिलीमीटर, जो आपने डिस्टेंस पहले बताया था। फिर उसके बाद आपने उसको एंगल बताया कि 30 डिग्री पर दूसरी लाइन का एंगल बना दो उस पर जो भी लेंथ बन रही है उसकी। तो 30 डिग्री पर ये लाइन को एक्सटेंड करके उसने ऑटोकैड ने मर्ज कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया है वर्टिकल लाइन को, और उसकी जो भी लेंथ रिजल्टेंट आ रही है आपके सामने वो आपके सामने इसने ये शो कर दिया। अब यही हम अगेन कमांड को हम रिपीट करेंगे CHA, अब 45 डिग्री पर सेम अलाइनमेंट के साथ करेंगे, यानी 1 डिस्टेंस है और अब एंगल 45 हो जाएगा। अब एंगल 45 पर देखें कि क्या होगा। अब देखें स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक वो 1 नज़र आ रहा है आपको, अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक ये भी आप ज़रा दोबारा से मेजर कर लें। देखें अब अलोंग दी वाई एक्सिस जो डायमेंशन है वो भी 1 मिलीमीटर आ गई है, क्योंकि 45 डिग्री का ऐसा एंगल होता है जिसमें एक्स और वाई प्रोजेक्शंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं। आप इसी तरह से आप अगर एंगल बढ़ाते जाएंगे तो जो दूसरी लाइन है उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, इसलिए कि एक्स का डिस्टेंस उसने 1 रखना है चैम्फर की कमांड में ऑटोकैड ने, और एंगल को वेरी करना है उस पॉइंट पर रखकर। वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये वाला है, यहाँ से एंगल अब वेरी होगा, जितना आप एंगल बढ़ाते जाएंगे उतनी वाई की लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे हम अगेन हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि डिस्टेंस हमने 1 रखा है और एंगल अब मैं इसको बता रहा हूँ 80 डिग्री। अब 80 डिग्री पे क्या करेगा, देखें कि और ज़्यादा उसने एक्सटेंड कर दिया लाइन, जहाँ पे उसके ऑटोकैड के हिसाब से इसने इंटरसेक्ट करना था उस पॉइंट पर ले जाके इसने उसको एक्सटेंड कर दिया। एंगल इसका अभी भी वही है जो आपने बताया है। जैसे हम डायमेंशन में जाके ना एंगुलर पोजीशन देख लेते हैं कि इसका एंगल कितना था, सबसे पहले हमने जो बताया था 30 डिग्री, सेकेंड वाले का जो एंगल था वो कितना था 45 डिग्री, और ये लास्ट वाले का एंगल कितना होगा जो आपने बताया अभी 80 डिग्री। तो 80 डिग्री एंगल है और लेंथ एक्स में फिक्स है, और उसके हिसाब से वो एक्सीड करता है लाइन को, और वर्टिकल लाइन जो दूसरी वाली है उससे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट होना होता है वहां तक ले जाके उसको वो छोड़ देता है और ड्रॉ कर देता है लाइन को। तो जो भी लेंथ होगी रिजल्टेंट वो आपके हाथ में आ जाएगी। तो इसमें वो राइट एंगल और पाइथागोरस थ्योरम जो कैलकुलेशन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर की कैलकुलेशन सारी इसमें मैथ्स इसकी प्रोग्रामिंग में इनकोड की गई है। अब सेकंड जो हम एग्जांपल देखेंगे चैम्फर की बाय यूजिंग डिस्टेंस,
मैं इसको कॉपी करके एक और इसका सेट बना रहा हूँ ताकि हम ट्रिम मोड में भी इसको देख सकें। अभी तो हम नो ट्रिम मोड में देख रहे हैं क्योंकि इससे डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। सी एच ए एंटर नो ट्रिम मोड के अंदर अब हम आएंगे डिस्टेंस पर। डिस्टेंस के अंदर वो आपसे लाइन का डिस्टेंस पूछेगा, दो लाइंस का। पहली लाइन वो लाइन होगी जो आपने पहले सेलेक्ट करनी है, सेकंड लाइन वो दूसरी होगी। तो पहली लाइन का आप डिस्टेंस 1 रखें, सेकंड का भी आप 1 रखें। बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन दे रहा होता है 1, इसलिए कि जब भी आप चैम्फर की कमांड इस्तेमाल करते हैं तो 45 डिग्री पर ही उसको लगाया जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि अगर बहुत ही कम थिकनेस का ऑब्जेक्ट है तो 45 डिग्री पर नहीं रखा जाएगा, उसको थोड़ा एंगल जो है उसका बढ़ा दिया जाता है एक सरफेस पर और दूसरे पे कम कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो शार्प एज या बर है वो उसको रिमूव किया जा सके। तो दूसरी लाइन का डिस्टेंस भी हमने 1 रखा है। और अब आप ये देखें, हम दोनों लाइन्स को बारी बारी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि दोबारा से वही लाइन आ गई जो आपने एंगल 45 पर रखकर बताई थी। अब आप यहाँ पर जस्ट एक्स और वाई की पोजीशन देख लीजिए कितनी दूर है। 1 यूनिट इसका एक्स में है और 1 यूनिट इसका वाई में। ठीक है, एक्स और वाई में ये 1-1 है। सेकंड, अब दोबारा से हम सी एच ए चैम्फर की कमांड को रन करेंगे और डिस्टेंस अब हम बताएंगे कि एक्स में 1 रखना है और वाई में बढ़ाना है। वाई में हम रख देते हैं 2। तो अब बिल्कुल वैसा ही काम जो एंगल से हो रहा था, अब आप सिर्फ डिस्टेंस बताते जा रहे हैं और डिस्टेंस जो आप बताएंगे लाइन 1 का, वो लाइन 1 का डिस्टेंस आ जाएगा और जो लाइन 2 का डिस्टेंस है वो लाइन 2 का आ जाएगा। तो इस तरह से आप चैम्फर की कमांड को आप रन कर सकते हैं। सिमिलरली जो लास्ट में रेक्टेंगल की कमांड पे आप पॉली लाइन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने अप्लाई किया था फिलेट के अंदर। अब मैंने इसको जो रेडियस बताया हुआ था चैम्फर का, तो उसमें मैंने पहले से बता के रखा हुआ था रेक्टेंगल का, तो जिसकी वजह से रेक्टेंगल की जो कमांड है उसमें जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो चैम्फर लगा कर दे रहा है। अब इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म करने का तरीका यह है कि रेक्टेंगल की कमांड आपने सेलेक्ट करी, इसके अंदर देखें चैम्फर का ऑप्शन है, फिलेट का ऑप्शन है। हम चैम्फर का ऑप्शन के लिए सी लिख के इंटर करेंगे तो आपसे ये डिस्टेंस पूछेगा, चैम्फर का डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2। तो हमने अगर इसको 0.5 बताया तो ये 0.5 के हिसाब से वो वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा जो आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसको 0 रख के इंटर करेंगे, अगेन 0 लिख के इंटर करेंगे और अब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको देखें यहाँ पे कोई फिलेट की कमांड का कोई शार्प एज या आपको नज़र नहीं आ रहा, टेपर लाइन नज़र नहीं आ रही। अब आप इस पे चैम्फर अप्लाई करना चाहते हैं तो चैम्फर अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल वैसा है कि आपने चैम्फर पे डिस्टेंस आप बता दें से पहले, डिस्टेंस आपने बता दिया है 1 है, आप 0.5 रखें, 0.5 और डिस्टेंस 2 भी 0.5 होगा। और अब आपने जो ऑप्शन यूज़ करना है वो पॉली लाइन का यूज़ करना है और यू हैव टू सेलेक्ट दी 2D पॉली लाइन और ये रेक्टेंगल एक पॉली लाइन है, इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे तो इस पूरे पे इसने अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर क्या कहते हैं Ctrl Z अनडू करके मैं ट्रिम वाला मोड अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ट्रिम वाला मोड भी हमारा कंप्लीट हो जाए। कि टी लिख के एंटर करें, CHA की कमांड रन करी आपने पहले, फिर उसमें ट्रिम मोड में आ गए और उसमें नो ट्रिम से आपने ट्रिम के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। और अब आप डिस्टेंस देख लें, डिस्टेंस कितना है 0.5, आपने दोबारा से करना होगा क्योंकि हमने अनडू कर दिया था। डिस्टेंस 2 भी 0.5 होगा और अब आपने पॉली लाइन का ऑप्शन P लिख के एंटर किया और आपने 2D पॉली लाइन ये सिलेक्ट कर ली पूरा जो रेक्टेंगल है। अब आपने अप्लाई किया, देखें ये बिल्कुल वैसे ऑब्जेक्ट बन गया जो स्टार्ट में ऊपर बना था। अब आपने जो चैम्फर का डिस्टेंस आपने रखा हुआ है अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो आप देखें जो अब होता ही है कि जब चैम्फर की कमांड आप अप्लाई करते हैं तो उसमें तो आप पॉली लाइन सेलेक्ट करके आप रेक्टेंगल को कन्वर्ट कर देते हैं। रेक्टेंगल की जब आप कमांड सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर चैम्फर का ऑप्शन जब आपने सेलेक्ट किया और उसको 0.5 और 0.5 दोनों डिस्टेंस जब आपने रख दिए, तो अब आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसमें चैम्फर की कमांड ऑलरेडी मौजूद लगकर आएगी और इसको दोबारा से ख़त्म करने के लिए आपको इस ऑप्शन में जाके, चैम्फर वाले ऑप्शन में जाके रेक्टेंगल की कमांड में उसको 0 करना होगा वरना ये ख़त्म नहीं होगा और इससे आपको कन्फ्यूजन होती रहेगी। नेक्स्ट जो कमांड मैं आपको बताऊंगा वो ब्रेक की कमांड है कि अगर किसी लाइन को आपने
ब्रेक करना है, उसको इरेज नहीं करना। जैसे ट्रिम से तो आप उसको ट्रिम कर देते हैं, इरेज हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और आप उसको सिर्फ ब्रेक करके उससे कुछ काम लेना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगी ब्रेक कमांड। अब ब्रेक कमांड के लिए आपने करना ये होता है कि एक तो सिंगल पॉइंट ब्रेक कमांड है इसके अंदर ऑटोकैड के अंदर, सेकंड जो है वो टू पॉइंट ब्रेक कमांड है। जो सिंगल पॉइंट ब्रेक कमांड है उसमें आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसको एक ऐसा पॉइंट बताएंगे जहाँ से आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो वो उसको वहाँ से फाइनल जो डायग्राम होगी उसकी ब्रेक की आपके सामने आ जाएगी। इसको हम परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, ब्रेक एट पॉइंट सिंगल पॉइंट, और ये टू पॉइंट ब्रेक नज़र आ रहा है। तो टू पॉइंट ब्रेक के अंदर आप देखें तो इसके अंदर आपको एक गैप भी नज़र आ रहा है अगर आप जूम करके देखें, इसलिए कि जो टू पॉइंट ब्रेक है उसके अंदर दो फंक्शंस हैं, मतलब एक स्टेप वो ज़्यादा काम करता है। सिंगल पॉइंट ब्रेक को हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया और ऑटोकैड इज आस्किंग के सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू ब्रेक, तो हमने इसको क्लिक किया। अब वो पॉइंट ब्रेक पॉइंट पूछ रहा है जहाँ से आपने इसको ब्रेक करना है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है कि या तो ये मिड पॉइंट में सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा दरमियान में किसी ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये जो ट्रैकिंग नज़र आ रही है येलो कलर का जो मार्क आ रहा है मिड पॉइंट, इसको मुझे ऑफ करना होगा ऑब्जेक्ट स्टेप सेटिंग। तो मैं यहाँ से जाके इसको ऑफ करूँगा, ये ऑफ हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट के अलावा कहीं भी माउस का कर्सर रखकर इसको ब्रेक कर सकता हूँ। अब आप देखें कि आपकी जो लाइन है वो वहां से ब्रेक हो गई जहां मैंने रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किया है। इसी तरह से अगर आप किसी एग्जैक्ट पॉइंट पर इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आपके पास कोई ना कोई लाइन होनी चाहिए वहां पर। जैसे मैं इस लाइन को मैं पहले ऑफसेट करता हूँ, ऑफसेट डिस्टेंस मैं बताता हूँ इसको 0.25, और इस लाइन को मैंने ऑफसेट कर दिया, ठीक है। एक और दफ़ा मैंने ऑफसेट कर दिया। सेकंड में ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग मुझे दोबारा से ऑन करना पड़ेगी और मुझे सिंगल पॉइंट ब्रेक को अगेन सेलेक्ट करना है यहाँ से, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इस लाइन को सेलेक्ट करना है। फिर अगेन मैं इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि वो पॉइंट सेलेक्ट करें। अब मैं ये पॉइंट आराम से देखें, अब ये एंड पॉइंट मेरे पास दो एक्स्ट्रा आ गए जिनको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं जहाँ से भी इसको ब्रेक करना चाहता हूँ वो एंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये लाइन वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से उसको ब्रेक करना है किसी लाइन को, तो वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट करना होगा, किसी लाइन को, किसी आर्क को, और किसी पॉइंट को आपको लाना होगा। तो इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, सेकंड जो ब्रेक का ऑप्शन है वो टू पॉइंट ब्रेक है। अब टू पॉइंट ब्रेक के अंदर आप ये समझ लें कि एक तो इसने ब्रेक करना है, सेकंड जो दो पॉइंट्स आप सेलेक्ट करेंगे उसके दरमियान में ये ट्रिम की कमांड को भी अप्लाई कर देगा। तो मेक श्योर कि अगर आप ये चाहते हैं कि ट्रिम भी हो जाए और ब्रेक भी हो जाए वहाँ से उन दो पॉइंट्स के दरमियान, तो वो लाइन के लिए आप टू पॉइंट ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे। अब उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि ये जो लाइन है ये मैंने डिलीट कर दी, ये सेगमेंट हमने ब्रेक किया था, और इस लाइन को मैं दो पॉइंट्स के दरमियान से ट्रिम करना चाहता हूँ और ब्रेक भी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपके पास दो पॉइंट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने ये टू पॉइंट ब्रेक कमांड इस्तेमाल करी, इसने कहा कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब अगर आपने सेकंड पॉइंट ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया रैंडम कहीं भी है ये वाला, अब तो जो पहला पॉइंट आपने सेलेक्ट किया था वहाँ से यहाँ तक ये उसको ट्रिम करके ट्रिम भी कर देगा और ब्रेक भी कर देगा। देखें जो पॉइंट मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था वहाँ से यहाँ तक इसने इसको ब्रेक भी कर दिया और ट्रिम भी कर दिया, टू सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया इसे, ठीक है। अगर आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि दोनों पॉइंट्स आप खुद सेलेक्ट करें अपनी मर्जी से और फिर इसको ब्रेक और ट्रिम करें, तो उसके लिए आपको दोबारा से इसको अंडू करें, और मैं आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूँ कि जो टू पॉइंट ब्रेक है वो आपने सेलेक्ट किया। अब आपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट किया और नीचे आप देखें कमांड कंसोल विंडो पे कि सेकंड पॉइंट ब्रेक पूछ रहा है आपसे, जबकि फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो आप F लिख के इंटर करें तो अब ये फर्स्ट पॉइंट ब्रेक आपसे पूछेगा। तो मैंने एक पॉइंट उसको ये बता दिया और दूसरा पॉइंट जो है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दरमियान में या स्टार्ट में। तो अब देखें ये ट्रैकिंग इसको बार बार कैप्चर किए जा रहे हैं, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट स्नैप को यहाँ बंद करके और एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा। देखें जहाँ हमने दो पॉइंट इसको बताए वहीं से इसने इसको ट्रिम किया और ब्रेक भी कर दिया।
तो ये काफ़ी हेल्पफुल कमांड है जो आगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2D ड्राइंग्स में जो असाइनमेंट्स आपको दिए हैं उसमें बहुत काम आएगी ये। अब ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट कमांड है जो आपको मैंने बतानी है, मॉडिफाइंग कमांड, वो एरे की कमांड है। और एरे जो है वो, अगर आप ये चाहते हैं कि यू कैन क्रिएट कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ रेक्टेंगुलर और पोलर सर्कुलर पैटर्न कॉल्ड एन एरे बाय यूजिंग एन एरे कमांड। फॉर रेक्टेंगुलर एरेज यू कंट्रोल द नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच। फॉर पोलर एरेज यू कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेदर द कॉपीज आर रोटेटेड। टू क्रिएट मैनी रेगुलर स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स एरेइंग इज फास्टर देन कॉपिंग। अगर आप कॉपी की कमांड से एक यूनिफॉर्म स्पेस, रेक्टेंगुलर स्पेस यानी एक्स वाई पोजिशन, और अगर आप पोलर पोजिशंस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं यानी 360 डिग्री पर सेगमेंट्स को ब्रेक करना चाहते हैं, तो कॉपी से ज़्यादा तेज़ और इफ़ेक्टिव जो कमांड है ऑटोकैड के अंदर वो एरे की कमांड है। अब एरे की कमांड में आपको दो तीन चीज़ें बतानी होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको यहाँ डेमो देना चाहता हूँ कि जैसे ये मैंने स्क्वायर बनाया है। इस स्क्वायर का सबसे पहले हम देखते हैं जो रेक्टेंगुलर एरे काम किस तरह से करता है। रेक्टेंगुलर और 4 बाय 4 का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जो मैट्रिक्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर, यानी 4 रॉज होंगे इसमें और 4 कॉलम्स होंगे। जैसे लेट से यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं और दरमियान में ये छोटे रेक्टेंगल बता रहे हैं कि ये 2 एक्स्ट्रा इसमें कॉलम्स हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसमें रॉज हैं, ये रॉज हैं। सिमिलरली जो इस डायरेक्शन में आपको नज़र आएगा, दीज आर दी कॉलम्स जो आपको पहले से पता है। ये कॉलम्स हैं और जो इस रेक्टेंगल है वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आप बनाएंगे। रेक्टेंगुलर एरे के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो मैट्रिक्स बनाना है, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो कितने कॉलम्स और कितनी रॉज होंगी। सेकंड, इसमें रॉ वाइज डिफरेंस या डिस्टेंस कितना होगा। अगर आप इसकी बात करें कि रॉ ऑफसेट डिस्टेंस क्या चीज़ है, तो मैं पहले उसको हाईलाइट कर दूँ यहाँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेकेंड रॉ है ये, और इसका जो डिस्टेंस है आपस में, दिस इज योर ऑफसेट डिस्टेंस, रॉ ऑफसेट डिस्टेंस। दिस इज योर रॉ ऑफसेट डिस्टेंस। इसी तरह से जो कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज के अंदर आप देखें तो ये मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये इस कॉलम का, और क्या कहते हैं, सॉरी, ये यहाँ से होगा, जो स्टार्टिंग कॉलम लाइन है वो ये है, और इसका जो डिस्टेंस है, दिस इज़ योर कॉलम ऑफसेट, कॉलम ऑफसेट डिस्टेंस। तो इस तरह से आपको ये डिफाइन करना होगा और उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये उसका मैट्रिक्स बना देगा। ठीक है जी। अब सेकंड, जो अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को, स्क्वायर को पोलर फॉर्म में, पोलर एरे जनरेट करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो भी पोलर है इसका मतलब है 360 डिग्री। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने बताना होगा पोलर एरे के अंदर के जो सेंटर पॉइंट है उस इमेजिनरी सर्कल का, जो कि नज़र नहीं आ रहा, हिडन है, वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर होना चाहिए।
कि जो कि मैं इस एरो के थ्रू आपको समझा देता हूं कि यहां से यहां तक ये जो पॉइंट होगा ये उस सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा, जो आप सेंटर पॉइंट बताएंगे पोलर एरे की कमांड के अंदर। सेकंड, आपने नंबर ऑफ आइटम्स बताने और एंगल बताना होगा 360 डिग्री, इसलिए कि यहां से यहां तक ये 360 डिग्री है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री पर, अगर आप थोड़ा सा इसको ये अजम्पशन कर लें कि ये जो सर्किल है उसका सेंटर पॉइंट ये है, और इस ऑब्जेक्ट को इस सर्किल के जो बाउंड्रीज हैं उस पर इसके जो इमेजेस हैं वो ड्रॉ करने हैं। नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे तो टोटल 360 डिग्री उस पर डिवाइड हो जाएगा, जो भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है जी। और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम ऑटोकैड में स्टार्ट करते हैं। जूम ऑल कर लें आप और इरेज ऑल कर लें। एक रेक्टेंगल की कमांड से स्क्वायर बनाएं, 0.0 स्टार्टिंग पॉइंट है और 1.1 यानी 1 बाय 1 मिलीमीटर का आपने बनाना है। अच्छा, रेक्टेंगल की कमांड के अंदर आप ये देखेंगे इसमें चैम्फर की कमांड लगी हुई थी, तो चैम्फर पहले आपने अलग अलग आपका आपने ख़त्म करके इसको ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो करने के बाद जब आप दोबारा बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और रेक्टेंगल की कमांड के अंदर आप देख लेंगे चैम्फर बाय चांस अब ज़ीरो ही है, ज़ीरो ही है। तो अब आप 0.0 पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे और 1.1 की मदद से आप रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ करते हुए कि स्क्वायर आपने बना लिया है, और इसका जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर है इस स्क्वायर बॉक्स का वो 0.0 पर है। अब एरे की कमांड के लिए मैं AR लिख के एंटर करूँगा और मेरे पास एरे का एक विंडो बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे। सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर एरे को यूज़ करेंगे, इसमें सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने एरे जनरेट करना है, जिसकी मदद से आपने एंटर करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद, और रॉज एंड कॉलम्स आपने 4 बाय 4 रखने हैं। अब रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट जो डिस्टेंस है वो 1 बाय 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर, जबकि आपको ये पता है कि जो स्क्वायर हमने बनाया है एक्स एक्सिस में 1 है और वाई में भी 1 है। तो इसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू देख लें। तो इसमें रॉज और कॉलम्स में आपस में कोई डिस्टेंस नहीं है, अगर आपको डिस्टेंस डालना है तो आप इसको यहाँ पर एस्केप का बटन दबाएंगे तो वापस से वो वहाँ आ जाएगा, और आप रॉ ऑफसेट डिस्टेंस है वो 2 कर दें। इसी तरह से कॉलम ऑफसेट डिस्टेंस है वो भी आपने 2 करना है, और अगेन आप प्रीव्यू करें। तो अब आप देखें कि एक्स और वाई दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 1 का आ गया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कोई एंगल बता देंगे और उसका प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, तो आप देख लें कि जो पूरा मैट्रिक्स था उसको उसने 45 डिग्री पर शिफ्ट कर दिया है और पूरा वो डायमंड की शेप बन गया। तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगुलर एरे सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो आप जनरेट कर सकते हैं, और उसको आप ओके कर देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने जो सेकंड जो ऑप्शन आपने अप्लाई करना है वो सेकंड ऑप्शन है पोलर एरे। तो अब आप इसको अंडू करें और अगेन एक दफ़ा अंडू कर दें। अब आपके पास ये एक स्क्वायर बॉक्स है, एरे की कमांड आप दोबारा से रन करें और पोलर वाले ऑप्शन पे आ जाएं, सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट करें, एंटर करें और सेंटर पॉइंट अब आपने बताना है। देखें 0.0 पर तो वो ऑब्जेक्ट मौजूद है और ये सेंटर पॉइंट आप बता दें 2.2, 2.2, तो 2 बाय 2 का एक आपने एक सेंटर पॉइंट बता दिया इमेजिनरी, और उसकी मदद से अब आप देखें जो सर्किल होगा वो उसका सेंटर पॉइंट तो बन गया 2.2, और 360 डिग्री पूरा एंगल है कंप्लीट, जो सर्कुलर राउंडिंग एक एक साइकिल है वो 360 डिग्री है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपने 4 रखने, तो 360 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो एंगल आ जाएगा आपके सामने आप प्रिव्यू कर लें। अब अगर आपने नंबर ऑफ आइटम्स और बढ़ाने तो आप एस्केप का बटन दबाकर यहाँ पे आप टोटल 8 कर दें तो 360 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, और आपके नंबर ऑफ जो आइटम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इस तरह से नज़र आएंगे, और आप इंटर कर दें तो कंप्लीट ये क्या कहते हैं इसने पूरा जो 360 डिग्री का जो एक साइकिल था
उसमें इक्वली शेयरिंग कर लिए, टोटल 8 कंपोनेंट्स इसमें प्लेस कर दिए। एरे की कमांड ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है वो शार्प जैसे एजेस बनाने गेयर्स के, और उसमें नंबर ऑफ टीज बहुत ज़्यादा होते हैं, 50, 60, 40। तो आप उसको कॉपी से नहीं बनाते, आप पोलर एरे के थ्रू उसको जनरेट करते हैं, और इस तरह से आपका ये आसानी से हो जाता है। अब अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो पोलर एरे कमांड है उसमें जो सर्किल है क्या उसका सेंटर पॉइंट 2.2 है, तो उसका तरीका ये है कि आप सर्किल की कमांड को सेलेक्ट करें, उसका सेंटर पॉइंट आप 2.2 बताएं, और इनमें जो आपने ये ऑब्जेक्ट रोटेट करें इनका किसी का भी एक कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर लें। मगर उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया था दरमियान में। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखें कि इनके जो साइड एजेस हैं वो और जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का वो 2.2 बिल्कुल एग्जैक्ट सही पोजीशन पर आ रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसी बाउंड्री पर ही लाई कर रहे हैं, उसी को टच करते हुए जा रहे हैं, इसलिए कि सर्कल का जो डायमीटर है वो हमने डिसाइड नहीं किया है। ठीक जी, ये कंप्लीट मॉडिफाइंग कमांड का ट्यूटोरियल था, और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो असाइनमेंट्स और जो लैब टास्क अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर तो उनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें।